उत्तर प्रदेश में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में आमने सामने का मुकाबला है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। दोनों ही पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और एक दूसरे पर जनता से वादा खिलाफी के आरोप लगा रही हैं। सवाल ये कि चुनाव से पहले जनता से किए वादे किसने पूरे किए, देखिए ये रिपोर्ट। बचाओ हमें। होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला होगा। मिट्टी की कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के दिए हैं। यही चीज समाजवादी पार्टी करती है, तो खोखली घोषणाएं। कांग्रेस से भी बच के रहना। कांग्रेस की चर्चा करूं तो इसकी तो कोई बहुत आवश्यकता है। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। यूपी चुनाव की गर्मी अब चरम पर पहुंचती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार गर्मी शांत करने वाला बयान देकर विपक्ष का हौसला तोड़ने में लगे हैं, तो अखिलेश यादव दो चरणों में ही शतक ठोकने का दावा करके उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आप जानकारी कर लो, पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को। तीसरे जब तक सातवें चरण पर चुनाव जाएगा, आप पता कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। 10 मार्च के बाद क्या होगा ये फिलहाल तो कोई नहीं जानता, लेकिन जनता इतना जरूर जानती है कि उसे क्या चाहिए। चुनावी रैलियों की गर्मी में चाहे जो भी मुद्दे उछाले जाएं, लेकिन असल मुद्दों पर क्या हुआ, ये सवाल जनता भी पूछ रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। विकास तो सही है, मगर विनाश नहीं होना चाहिए अयोध्या का। गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, और कड़वा तेल इतना महंगा है वो सस्ता होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लोगों की इस चिंता की सबसे बड़ी वजह है कि तमाम राजनीतिक दल इन मुद्दों पर जितने दावे और वादे करते हैं, सत्ता मिलने पर उन्हें भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में इस समय जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, वो सभी एक नहीं कई कई बार सरकार बना चुके हैं, लेकिन सत्ता में रहते हुए अगर उन्होंने वाकई अपने वादे पूरे किए होते तो आज उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य नहीं होता। राज्य की 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे नहीं होती। कुपोषण के मामले में यूपी चौथे नंबर पर ना होता। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं हो जाती। लेकिन चुनाव के शोर में ये मुद्दे गुम हो जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि जनता को सरकार के काम का हिसाब मांगना चाहिए। नए वादों पर भरोसा करने से पहले पिछले चुनाव के वक्त किए वादों पर सवाल पूछना चाहिए। यूपी की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी ने करीब 32 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था। इन 32 पन्नों में 200 से ज्यादा वादे किए गए थे। अब सवाल है कि पिछले 5 साल में इन वादों में से कितने पूरे हुए। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार 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 भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है।
बीजेपी का दावा है कि उसने जो कहा वो किया, तो पहले आपको दिखा दें कि 2017 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने क्या क्या कहा। पहले ही पेज पर लिखे 9 संकल्पों को देखिए। इसमें कृषि, विकास, युवाओं को रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में विस्तार से लेकर गरीबी से मुक्ति तक के वादे किए गए। इनमें से कुछ बड़े वादों पर गौर करिए। लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पूरा भुगतान, आलू प्याज लहसुन पर MSP, 20,000 करोड़ का मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड, भू माफिया के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन, 5 साल में 70 लाख रोजगार, 100 रोजगार के मौके, 90 दिनों में खाली पड़े सरकारी पदों की भर्तियां शुरू करना, कॉलेज जाने वाले युवाओं को लैपटॉप और 1 GB इंटरनेट, सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई, सभी लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और प्रदेश में 25 नए मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों से किए वादों की। कर्ज माफी का फायदा प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों को मिलना था। घोषणा पत्र के मुताबिक सभी छोटे किसानों का पूरा कर्ज माफ होना था, लेकिन सरकार ने 1 लाख तक का कर्ज ही माफ किया। पश्चिमी यूपी के गन्ना किसान बीजेपी के घोषणा पत्र के इस वादे से बहुत खुश थे कि उनके पुराने बकाए का पूरा भुगतान होगा और फसल बेचने पर चीनी मिलों से 14 दिन में भुगतान कराया जाएगा। गन्ना किसानों का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने पुराने बकाए का भुगतान तो कर दिया, लेकिन 14 दिनों में भुगतान का वादा पूरा नहीं हो पाया। आज तक एक गन्ने का पेमेंट नहीं आया, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए बकाया है जो पिछले साल का है, इस साल का है 5-6 लाख रुपए। ये सोच कर लाए थे कि बहुत अच्छे दिन, लेकिन इन दिनों से वे पुराने बुरे दिन 100 गुना बेहतर। सरकार को सोचनी चाहिए कि आपने जो वायदे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। 95,000 करोड़ का भुगतान होता था 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार में, और 5 साल में योगी सरकार ने किया 1,55,000 करोड़ का, मानो लगभग अंतर जो है एकदम 2 गुना है। गन्ना किसानों की तरह आलू की खेती करने वाले किसानों की भी शिकायत है कि आलू को MSP पर खरीदने का जो वादा किया गया था उसे लेकर 5 साल में कुछ भी नहीं किया गया। तो क्या सरकारी खरीद हुई 5 सालों में? कोई खरीद नहीं हुई, एक भांसा बोल दी थी मैं खरीद करूंगा, तो जब से कोई खरीद का नाम ही नहीं आया इधर, बस ये तो कह दिया था कि मैं चुनाव के वजह से मैं खरीद लूंगा। बातें तो बहुत होते हैं, मतलब जो है आलू MSP खरीदेंगे, अच्छा रेट भी देंगे, मतलब लागत भी कम करेंगे, लेकिन एक तरफ जो है यूरिया के दाम बढ़ा देते सरकार और जो डीएपी के दाम बढ़ा दिए, और मतलब किसान की आमदनी दूने करेंगे, मतलब सरकार के ये बात रहा हमेशा। किसानों के अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के दिए हैं, बिना चेहरा देखे हुए देख दिए हैं। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र में हर युवा को रोजगार देने के वादे के साथ 5 साल में 70 लाख रोजगार या 100 रोजगार के मौके पैदा करने की बात कही गई थी। इसमें से अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो बीते 5 सालों में यूपी पुलिस में 1,43,445 भर्तियां हुई, बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,987, राज्य लोक सेवा आयोग में 32,685, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 18,584, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 15,004, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 1924, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 6,507 नौकरियां दी गईं। इस तरह 5 साल में योगी सरकार ने कुल 3,44,136 सरकारी नौकरियां दी। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए 3,21,203 नौकरियां दी गईं। पिछले 5 सालों में उनके जितने वादे थे सभी वादों में वो झूठे उतरे। रोजी नहीं है सबकी, सब लोग उससे परेशान है, रोजी चले तो ज्यादा अच्छा है, बाकी हद तक काम अच्छा हुआ है लेकिन रोजी नहीं है, इसलिए सरकार से लोग नाराज है। ये भर्तियां खूब निकालते हैं लेकिन हर्ष यही होता है कि वो आगे जाके वो कैंसिल हो जाती है।
बीजेपी के 2017 के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए जो बड़े वादे किए गए थे उनमें से एक वादा कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप और 1 GB इंटरनेट देने का था। इसे पूरा करने के लिए सरकार ने अपने चुनाव के ठीक पहले लैपटॉप बांटना शुरू किया, जिसे लेकर अखिलेश भी अपनी चुनावी रैलियों में तंज कर रहे हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन कहाँ मिल गया बताओ माधवगढ़ के नौजवानों, किसको मिल गया आपको? न लैपटॉप दिया, न टैबलेट दी और न स्मार्टफोन दिया, और वो देते भी क्यों आपको? बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा भी स्मार्ट युवा बने, इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। देर से ही सही, लेकिन बीजेपी के इस वादे के तहत जिन लोगों को सरकार की तरफ से लैपटॉप मिले वो इसे लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लैपटॉप भी मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। हाँ, बिल्कुल मिला, 1 GB डाटा फ्री मिलेगा। मिला है। बिल्कुल हुआ है। वाईफाई वाली जो प्रक्रिया है वो बनारस और आसपास के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हो चुकी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा था, इसे पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की मदद दी गई। 25 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा था, 16 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की शुरुआत की जा चुकी है। हर घर तक नल से जल का वादा अधूरा है, क्योंकि अभी सिर्फ 13% लोगों के घर नल से जल पहुँच पा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं, चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र के वादों पर सवाल उठा रहे अखिलेश ने खुद क्या किया वो भी देखिए। 2012 से 2017 तक वो मुख्यमंत्री थे। 2012 में उन्होंने भी वादा किया था किसानों की कर्ज माफी करेंगे, लेकिन ये कर्ज शर्तों के साथ माफ किया गया। बुनकरों किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत में बुनकरों को सब्सिडी मिली और किसानों को फ्री बिजली नहीं मिली। गांव में 20 घंटे बिजली सप्लाई का वादा था, 18 घंटे तक ही मिल पाई। 10वीं पास बच्चों को टैबलेट देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें टैबलेट नहीं मिले। इसी तरह बेरोजगारों को सालाना 12,000 भत्ता देने का वादा था, जो 2012 से 2014 तक ही बटा। समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल तक थी, 5 साल में इन्होंने 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दिया। यानी चुनावी वादों को लेकर हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठाता है, लेकिन खुद सरकार में आते ही उन्हें भूल जाता है। ABP News आपको रखे आगे।